हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएमओ अप्रोच फॉर एरोमेटिसिटी। तो आज के इस वीडियो में हम पीएमओ अप्रोच के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपकी पीएमओ अप्रोच का पार्ट टू है। पीएमओ अप्रोच का पार्ट वन हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि पीएमओ अप्रोच होता क्या है और पीएमओ अप्रोच का कुछ बेसिक डिस्कस किया था। जब आप पीएमओ अप्रोच को किसी एग्जांपल से समझाएंगे तो वो जो बेसिक है वो उसमें आपका यूज़ होगा। तो इसलिए यदि आपने पीएमओ अप्रोच का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा पीएमओ अप्रोच। तो पीएमओ अप्रोच होता क्या है, उससे पहले कि पीएमओ की फुल फॉर्म क्या है, तो पीएमओ होता है आपका पर्टर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये पीएमओ अप्रोच होता क्या है, तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि पीएमओ अप्रोच होता क्या है, उसके बाद ही हमने वो बेसिक स्टार्ट किया था। तो इसमें भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि पीएमओ अप्रोच होता क्या है। तो पीएमओ अप्रोच हमें क्या बताता है, पीएमओ अप्रोच हमें यह बताता है कि रिएक्शन के दौरान जो भी आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, ये जो आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हैं ये एरोमेटिक हैं, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, ये बताता है आपको पीएमओ अप्रोच। यानी पीएमओ अप्रोच का हम यूज़ कहाँ करते हैं, फाइंड आउट द कंपाउंड इज़ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। यानी कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम पीएमओ अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो पीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्टर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी पीएमओ अप्रोच में हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं, उसके बाद उन्हें हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एंड उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जब हमने हकल्स रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हकल्स रूल्स के भी द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। एंड हम पीएमओ अप्रोच के द्वारा भी ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है या फिर हमारा जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो पीएमओ अप्रोच होता क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो पीएमओ अप्रोच का हम यूज़ कैसे करेंगे किसी भी कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए कि वो जो कंपाउंड है वो हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको एसाइक्लिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना है, उसके बाद ओवरलैप दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराना है। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी आपकी टू टाइप से होगी, एक होगी आपकी कंप्लीट ओवरलैपिंग एंड दूसरी होगी आपकी इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग। तो यदि आपकी ओवरलैप क्या होती है, कंप्लीट होती है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ कंप्लीट ओवरलैपिंग, यदि आपकी ओवरलैपिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। यदि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ होती है, यानी जब आपकी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो आपका जो कंपाउंड होगा वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्योंकि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, इसके पास एनर्जी की कमी है, तो ये क्या होगा, ये स्टेबल कंपाउंड होगा, यानी ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा ये मोर स्टेबल कंपाउंड होगा। इसके बाद दूसरी जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है आपकी इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग, यानी इफ़ नॉट कम्प्लीट ओवरलैप। यदि आपकी ओवरलैपिंग इनकम्प्लीट होती है तो आप इसमें जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यदि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो आपका जो कंपाउंड होगा वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्योंकि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। एंड इसके बाद हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आपको पता है कि जो बेंजीन हमारा एक कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमने जब हमने हकल्स रूल्स को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था कि बेंजीन जो है वो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है पीएमओ अप्रोच के द्वारा। तो किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन जो हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है इसे हम टू एसाइक्लिक कंपाउंड्स में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन है, सेकंड है हमारा एथीन। क्योंकि जब 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन एथीन से कराते हैं तो हमारा बेंजीन कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजीन को टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, टू एसाइक्लिक कंपाउंड्स में डिवाइड कर लिया।
1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, दोनों एसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको ड्रॉ करना है, यानी हमें 1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड उसके बाद करेंगे एथीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम 1,3-ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्राम शो किया हुआ है। तो ये किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1,3-ब्यूटाडाइन में देखना है कि कितने कार्बन एटम हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन में आपके 4 कार्बन एटम हैं। तो 4 कार्बन एटम है, तो प्रत्येक कार्बन एटम के पास क्या है, पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, तो हमने क्या किया, 1 कार्बन एटम्स के लिए पी ऑर्बिटल, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए, यानी चारों कार्बन एटम्स के लिए पी ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लिया है एंड इसको हमने मान लिया है साइवन। तो ये क्या हो गया आपका, साइवन। तो आपको याद रखना है कि जितने कार्बन एटम होते हैं, तो हमारे कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, उतने ही हमारे क्या होते हैं, साई होते हैं। तो कितने साई होंगे हमारे, 4 साई होंगे। तो यहाँ पे हमने साई वन को तो पता कर लिया, तो साई वन को हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद साई टू को करना है, साई थ्री को करना है, साई फोर को करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं। तो ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन में आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 और 2 हो गया 4। तो यहाँ पे हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे MC2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, M का मीन्स होता है मिरर सिमेट्री, यानी साई वन में आपकी मिरर सिमेट्री है, C2 का मीन्स होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी साई टू में आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, साई थ्री में आपकी क्या है, मिरर सिमेट्री है, साई फोर में आपकी C2 सिमेट्री है। एंड इसके बाद बात करते हैं कि ये जो प्लस माइनस के साइन है किस प्रकार से आए, एंड साई टू को हमने होमो माना है, साई थ्री को हमने ल्यूमो माना है, ये किस प्रकार से मानते हैं, तो इनके बारे में हमने PMO अप्रोच के पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो पहले जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ कि होमो क्या होता है, ल्यूमो क्या होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि होमो क्या होता है, ल्यूमो क्या होता है। एंड इसके बाद देखते हैं हम एथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एथीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि एथीन्स में आपके कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, एंड 2 कार्बन एटम्स के पास कितने और पी ऑर्बिटल्स हैं, 2 ही पी ऑर्बिटल हैं। तो फर्स्ट कार्बन एटम के लिए पी ऑर्बिटल ये हो गया, एंड सेकेंड कार्बन एटम के लिए पी ऑर्बिटल ये हो गया, एंड इसको हमने मान लिया साई वन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन एटम हैं, तो कितने साई होंगे हमारे, 2 ही साई होंगे। तो साई वन को तो हमने ड्रॉ कर लिया, एंड इसी प्रकार से हम साई टू को भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एथीन्स में आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साई वन में आपकी मिरर सिमेट्री है, साई टू में आपकी सी टू सिमेट्री है, एंड साई वन को हमने होमो माना है, साई टू को हमने ल्यूमो माना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। सेकंड स्टेप था कि हमें क्या कराना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या करानी है, ओवरलैपिंग करानी है। तो किस प्रकार से हम ओवरलैपिंग कराते हैं, तो हम इसमें होमो एंड ल्यूमो को ओवरलैप कराते हैं। तो हम 1,3-ब्यूटाडाइन का होमो लेंगे एंड एथीन्स का हम ल्यूमो लेंगे, एंड इन दोनों के बीच में क्या कराएंगे, ओवरलैप कराएंगे। ओवरलैप कराने पर हम देखेंगे यदि हमारा कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमारी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ होगी, यदि डिक्रीज़ होगी तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होमो ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन यानी 1,3-ब्यूटाडाइन के होमो को एंड एथीन्स के ल्यूमो को जब ओवरलैप कराया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम्प्लीटली ओवरलैपिंग हो गई, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस से माइनस एंड प्लस से प्लस, यानी कम्प्लीट ओवरलैपिंग हो रही है। यदि हमारी कम्प्लीट ओवरलैपिंग होती है, तो आपकी क्या होती है, एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। जब एनर्जी डिक्रीज़ होती है, तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। एंड क्योंकि एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होगा, आपका मोर स्टेबल होगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि 1,3-ब्यूटाडाइन में आपके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए थे, यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ पे हमने 2 को शो नहीं किया, तो आप यहाँ पे 2 को शो कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से भी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शो कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं इसके नोट्स की किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। पीएमओ अप्रोच फॉर एरोमेटिसिटी के, तो आपको ये पॉइंट में लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फाइंड आउट द एरोमेटिसिटी फ्रॉम द पीएमओ अप्रोच, वन शुड नो हाउ द एनर्जी ऑफ द ओपन चेन पाई सिस्टम विल चेंज व्हेन इट इज़ कन्वर्ट इनटू साइक्लिक सिस्टम। यानी पीएमओ अप्रोच से हम एरोमेटिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाउ द एनर्जी, यानी जो ओपन चेन पाई सिस्टम की जो एनर्जी है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है जब हमारा सिस्टम साइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना है, इफ़ द एनर्जी डिक्रीज इन दिस प्रोसेस द रिंग इज द एरोमेटिक। यदि आपकी इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो कंपाउंड होगा या जो हमारी जो रिंग होगी वो क्या होगी, एरोमेटिक होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि इफ़ द एनर्जी इंक्रीज देन इट इज़ एंटी एरोमेटिक। एंड यदि इस प्रोसेस के दौरान हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वह जो कंपाउंड होगा वो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, बोथ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों जो कंपाउंड होते हैं ये हमेशा आपके इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओपन चेन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन वी क्लासीफाई इंटू दी टू कैटेगरीज। यानी आपका जो पाई सिस्टम होता है, कॉन्जुगेटेड ओपन चेन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम जो होता है ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता है एंड इसको हम टू क्लासेस में यानी टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट लिखना है आपका कि सिस्टम इन विच होमो हैज़ एम सिमेट्री एंड ल्यूमो हैज़ सी टू सिमेट्री। यानी इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा होमो एम सिमेट्री रखता है एंड ल्यूमो हमारा सी टू सिमेट्री यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है। तो ये हमने जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के डायग्राम को ड्रॉ किया था तो वहाँ पे हमने देखा था। यदि हमारा सिस्टम में हो जो होमो है वो एम सिमेट्री यानी मिरर सिमेट्री रखता है, ल्यूमो हमारा सी टू सिमेट्री रखता है, तो उस सिस्टम को मोड टू कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको कि सिस्टम इन विच होमो हैज सी टू सिमेट्री एंड ल्यूमो हैज़ एम सिमेट्री। तो यदि हमारा सिस्टम में जिसमें होमो हमारा सी टू सिमेट्री रखता है, ल्यूमो हमारा एम सिमेट्री रखता है, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मोड टू नाम देते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि साइंटिस्ट गोल्डस्टीन्स एंड हॉपमैन हैव नेम्ड दीज टू सिस्टम एज मोड टू एंड मोड जीरो। यानी साइंटिस्ट गोल्डस्टीन एंड हॉपमैन ने इस सिस्टम को मोड टू एंड मोड जीरो के नाम दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट लिखना है कि एग्जाम्पल ऑफ मोड टू इन विच होमो हैज़ एम सिमेट्री एंड ल्यूमो हैज़ सी टू सिमेट्री। यानी यहाँ पे आपको मोड टू का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आपका क्या होता है, होमो आपका एम सिमेट्री रखता है, ल्यूमो आपका सी टू सिमेट्री रखता है। तो एग्जाम्पल है हमारा एथीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथीन्स के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के डायग्राम को शो किया हुआ है। तो किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एथीन्स के यानी मोड टू के डायग्राम्स को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि एग्जाम्पल ऑफ मोड जीरो इन विच, यानी ये आपका मोड जीरो का एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, होमो आपकी सी टू सिमेट्री रखती है, ल्यूमो आपकी एम सिमेट्री रखती है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 1,3-butadienes के जिसमें आपकी होमो सी टू सिमेट्री रखती है, ल्यूमो आपकी एम सिमेट्री रखती है। तो 1,3-butadienes के आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको समझा भी दिया कि किस प्रकार से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है कि इंट्रैक्शन ऑफ मोड टू विद द मोड जीरो। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप थे कि हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को क्या कराते थे, ड्रॉ करते थे, उसके बाद क्या कराते थे, ओवरलैपिंग कराते। तो यहाँ पे लिखा इंट्रैक्शन या फिर ओवरलैप एक ही बात होती है, इंट्रैक्शन ऑफ मोड टू विद मोड जीरो चेन, दी होमो ऑफ ईच चेन हैज़ दी सेम सिमेट्री एज दी ल्यूमो ऑफ अदर। एंड यहाँ पे आपको क्या करा देना, इंट्रैक्शन करा देना किसका, होमो ऑफ 1,3-butadienes का एंड ल्यूमो ऑफ एथीन का। जब आप इंट्रैक्शन कराते हैं तो हमारी जो ओवरलैपिंग होती है वो कंप्लीट होती है, एंड जब कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है तो सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो हमारा जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।